Audio Jungle. नमस्कार बीसीएन न्यूज की होली स्पेशल कवि सम्मेलन में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू और अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्यौहार। कवि सम्मेलन है तो उससे पहले इसीलिए मैंने भी चार लाइन बोलना ज़रूरी समझा। अब हम जो है हमारे साथ जो एक कवि यहाँ पे जो है जुड़े हैं, गुलाल है, पिचकारिया है और गुलाल के रंग के साथ हमारे साथ कवियों की फौज भी यहाँ पे है। तो चलिए बढ़ते हैं कवियों की तरफ और उनका नाम जान लेते हैं। हमारे साथ आज कौन कौन है? अनिल मालोकार जी है जो हास्य व्यंग्य सशक्त हस्ताक्षर के ये कवि है। उसी के साथ सुदर्शन चक्रधर हास्य व्यंग्य के ये कुशल चितेरे और वरिष्ठ पत्रकार भी है। साथ ही ज्ञानचंद्र तिवारी मोहन रस नाम से तो जाने जाते हैं, सुमधुर गीतकार, श्रृंगार और चेतना के ये कवि है। इसी के साथ नीरज व्यास जी हमारे साथ है, वरिष्ठ व्यंग्यकार और हास्य व्यंग्य के ये कवि है। इसी के साथ डॉक्टर सागर खादीवाला, वरिष्ठ व्यंग्यकार, हास्य व्यंग्य के ये कवि है। तो चलिए बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी और कविता सुनने के लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं कविताओं के और जानते हैं उनकी कविताएँ। चलिए, सुदर्शन चक्रधर ये हास्य कवि की है, इनका स्वागत राठौर सर करेंगे। तमाम कवियों के ओर से सबसे पहले तो मैं इस चैनल बीसीएन को, उसके तमाम स्टाफ को और दर्शकों को होली की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आज आप इस मंच पे इस क्षेत्र के जाने वाले कवियों को लाने में सफल हुए हैं, इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, पिछले दो साल हमने अजीब दुनिया में एक अजीब परिस्थिति के बीच में गुजारे हैं। होली होते हुए भी हम होली नहीं मना पाए, दिवाली होते हुए भी दिवाली नहीं मना पाए, ईद होते हुए भी ईद नहीं मना पाए। लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, कृपा है कि आज हम इस होली के मौके पर कुछ चेहरों को मुस्कुराहट पैदा करने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और जैसा कि श्रीजा ने आपको बताया, आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे बीच मौजूद है, मेरे दाहिने ओर से आप देख रहे हैं, देश के जाने माने हास्य व्यंग्य के मशहूर कवि डॉक्टर नीरज व्यास। इनके बाजू में जो मौजूद है ये फिल्मी गीतकार और बहुत अच्छे श्रृंगार और चेतना के सुमधुर कवि श्री दया शंकर तिवारी। और मेरे भाई और मौजूद है श्री सुदर्शन चक्रधर जो हास्य व्यंग्य के बड़े कुशल चितेरे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार थे। एकदम अंत में हमारे पास बीच बैठे हैं श्री अनिल मालोकर जो हास्य व्यंग्य के फुहारों के लिए इस पूरे परिषद में जाने जाते हैं। तो लीजिए, बीसीएन के सौजन्य से आयोजित इस कवि सम्मेलन में और अधिक समय लेते हुए मैं आपके सामने इस मंच के ओपनिंग बैट्समैन को प्रश्न करने जा रहा हूँ। दरअसल किसी भी मैच की सफलता का दारो मदार उसके ओपनिंग बैट्समैन के होते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा ही काम व्यक्ति श्री अनिल मालोकर के रूप में मौजूद है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, हमारे बीच में आज के इस सम्मेलन के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मौजूद है हास्य के बड़े कुशल चितेरे श्री अनिल मालोकर, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ऊर की लार और पीर की मार। एक ऐसा ही व्यक्ति जिसने केवल अपनी कविताओं के बल से इस पूरे क्षेत्र में अपने नाम का सिक्का जमाया है। मालोकर जी, हम जानते हैं कि माहौल ठीक नहीं है, विचारों में कहीं ना कहीं उदासी है, निराशा भी है, लेकिन इस होली ने हमको एक उत्साह दुनिया में लाने का मौका दिया है। तो इस मौके का लाभ उठाते हुए
नीरज जी, चार पंक्तियां मैं सभी कवियों की ओर से दर्शकों के लिए कि खुद को इतना बिना बचाया जाए, खुद को इतना बिना बचाया जाए, बारिश हो तो भीग जाएगा, खुद को इतना बिना बचाया जाए, बारिश हो तो भीग जाएगा, और धूप मायूस होकर लौट जाती है, कपड़े सुखाने छत पे आया कर। आज उसी आधे के बाद आपके सामने पेश हो गए हैं श्री अनिल मलोत्रा। मां सरस्वती को नमन करता हूँ, मंच पर आज सभी वरिष्ठ कवियों का अभिवादन करता हूँ और सबसे पहले मैं अभिनंदन को धन्यवाद करता हूँ यूसीएन का कि आज जुड़ी के अवसर पर हम लोग आज श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं और प्रयास करेंगे हम अपनी ओर से सभी लोग कि हम उनके आग्रह पर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया सागर खाड़ी वाला जी ने, कि जो मायूसी थी दो साल से कहीं ना कहीं हम नए से अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले अग्रह कवि की पंक्तियाँ हैं कि हम लोग जैसे कि श्रोताओं के लिए कह रहा हूँ कवियों की ओर से कि दिल के हर जख्म को आईना बनाया हमने, दिल के हर जख्म को आईना बनाया हमने आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं है महफिल में तमाशा बनना, हौसला चाहिए औरों को आसानी के लिए हौसला चाहिए। एक बात होली से जुड़ी हुई है, मैं इसलिए कहता हूँ कि हर आदमी अपने अपने रंग में रहेगा, अपने अपने मौज में रहेगा, लेकिन कवियों की जो आज एक प्याला हम आपको पिलाने वाले हैं, इसके लिए कह सकता हूँ क्या है तो क्या जाने कैसे पिलाई जाती है, हर है तो क्या जाने कैसे पिलाई जाती है, अरे बोलने से पहले जरा बोतल पिलाई जाती है, फिर आवाज लगाई जाती है, आओ टूटे दिल वालों यहाँ सभी को दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है, दवा पिलाई जाती है, दवा पिलाई जाती है। और जब जब पीसीएम के इस कवि सम्मेलन में आना था तो कहीं ना कहीं हमारे अग्रज कवि का जिक्र होना चाहिए जिन्होंने समसामयिक और समाज के लिए बड़ी बात कही होली के अवसर पर कि मौज मस्ती ढेर सारा, मौज मस्ती ढेर सारा, उदंग होना चाहिए, उदंग होना चाहिए, नाच गाना ढोल ताशे चल होना चाहिए, कोई ऊंचा कोई नीचा और छोटा कुछ नहीं, हर किसी का एक जैसा रंग होना चाहिए, हर किसी का एक जैसा रंग होना चाहिए। और अब मैं अपनी बात शुरू करूं कि आज हजारों श्रोताओं तक ये बात विषय के द्वारा जा रही है, तो जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रोताओं को कभी जो उसे विचार पंक्तियां करना चाहता हूँ, अर्ज है कि श्रोताओं को ये पंक्तियां अर्पण करना चाहता हूँ कि अर्ज है श्रोताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए ये बात हम कवियों की ओर से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आंखों में आंस लिए बैठे हैं, कुछ लोग आंखों में आंस लिए बैठे हैं, कुछ लोग होठों पे प्यास लिए बैठे हैं, और हमें उस नीलगगन से क्या लेना देना, हमारे चांद सितारे तो हमारे पास बैठे हैं, हमारे चांद सितारे तो हमारे पास बैठे हैं। मित्रों आइए छोटी छोटी क्षणिकाओं के माध्यम से समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए क्षणिकाएं को सुनाता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई एकल परिवारों का चलन चला है, मैं भूमि तारीख नहीं बना रहा हूँ, संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो कि अकेला है बूढ़ा है और अपने रूप में बैठा है और कई प्रकार के चैनल दिख रहा है, आजकल वो जमाना ही है, तो वहाँ का दृश्य है ये कि रात को 2 बजे पोता पढ़ाई कर रहा है, दादा एक रूम में माता पिता कहीं फिल्म देखने गए हैं, कि रात को 2 बजे परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे लेकिन दादाजी नहीं सो रहे थे, रात को 2 बजे परिवार में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे लेकिन दादाजी नहीं सो रहे थे, टीवी पर फिल्म ट्रेलर देख कर बड़े जोर जोर से रो रहे थे, आवाज सुनी तो जवान पोता हड़बड़ा कर जागा और जागा तो सीधे दादाजी के कमरे में भागा और बोला दादाजी दादाजी क्या है परेशानी, क्यों बह रहा है तुम्हारी आंखों से धुआंधार पानी, तो दादाजी बोले मेरे बच्चे मेरे राजा जानी तू दूर करना चाहता है अगर मेरी परेशानी, अगर पूछना चाहता है मेरी आंखों का पानी तो मुझे अभी अभी इस वक्त में चल वो फिल्म दिखाने जिसमें शीला की जवानी, जिसमें शीला की जवानी, जिसमें शीला की जवानी। मित्रों जैसे कि आप सभी आजकल लाइव का जमाना चला है, लाइव टेलीकास्ट आप देखते हैं कि जो भी न्यूज आप लोग करते हैं तो वो वहां पर पूछते हैं कि तेरे को कैसा लग रहा है, चाहे वो पानी में डूब रहा है तो भी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, वो बोलता है पानी से बाहर निकलो तो फिर बताऊं, पर इसी बात को लेकर एक बार हम कवि मित्रों के साथ बाहर गए थे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की दृश्य की छोटी सी कविता, ये सुदर्शन चक्र का मेरे बाजू में बैठे हैं ना, इनके जैसे मित्र हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है,
तो हम लोग एक बार गए बगीचे में, अपनी छोड़ के जाए टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया, वहां से आया तो ये खोए हुए थे। और उस कंसेप्ट को लेकर इस प्रकार से अनेक कंसेप्ट बनते हैं, वो कंसेप्ट बन गया सीधी सीधी बात। सावन का महीना बनता, सावन का महीना था, बनता भारतीय नदी का किनारा था, वहां खड़ी कार थी और कार के पीछे पेड़ का छाया कर घना वहां बैठा था एक लड़कू बैठी थी लड़का। सावन का महीना था, बनता भारतीय नदी का किनारा था, वहां खड़ी कार थी और कार के पीछे पेड़ का छाया कर घना वहां बैठा था एक लड़कू बैठी थी लड़का। और दोनों में किलो मिलो मस्त चल रहा था, देखकर सुदर्शन चक्र करता दिल चल रहा था। सुदर्शन बोला, यार अभी ये कौन सी फिल्म है, बहुत ज्यादा फास्ट है। हमने कहा, सुदर्शन जी ये फिल्म फिल्म नहीं, ये लाइव टेलीकास्ट है, ये लाइव टेलीकास्ट है, ये लाइव टेलीकास्ट है। और मित्रों चलते चलते बस दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। होली का अवसर है और होली के अवसर पर हंसी रहा था, बाकी स्टेज बातें कभी सारी प्रकार की बातें करता है, वो गंभीरता की बात करता है, विरस की बात करता है, श्रृंगार की बात करता है, लेकिन हास्य हास्य के साथ में एक निश्चित जब कविता में होता है वो अधिक आनंद होता है। मैं सभी कवियों का आशीर्वाद चाहता हूँ और आज निश्चित रूप से हमारे विषय के श्रोता बहुत आनंद के सागर में डुबकियां लगाते होंगे। तो आइए दो बातें जो आम जीवन से जुड़ी हुई, अक्सर हमने देखा है कि पुरुष पर अपने मित्रों के साथ जो बैठक पर बैठता है रात के समय, तो ये अक्सर बोलता है, यार मेरी जिससे शादी हुई तो दिन भर खराब, तो पुना वाला सौदा मुझे छोड़ दिया और ये वाला क्या तब से तकलीफ पा रहा हूँ वगैरह, और ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन तब भी भूमिका नहीं क्यों इतना कहना चाहता। और आप इस दृश्य को देखकर मैं ये करता हूँ, जितने भी विषय की श्रोता इस कवि सम्मेलन को देख रहे हैं वो इस कविता के पात्र नहीं है, ना ही यहाँ पर बैठे हमारे कवि इस कविता के पात्र है दो प्रतीकों के माध्यम से, और ना ही विषय का कोई भी श्रोता ऐसा है। और ये बात मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। आप अपने घर में बैठ कर तालियां बजाकर हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। टाइगर से खूंखार पत्ती, गाय छाप पति से बोली, गाय छाप क्या बात, टाइगर से खूंखार पत्नी गाय छाप पति से बोली, सुनो मेरे हमनवा मेरे हमबोली, लोग कहते हैं हम दोनों की अच्छी साठगांठ है, पर तुम्हें कुछ याद भी है, आज हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, हम ये वर्षगांठ अब यह वर्षगांठ कुछ इस तरह मनाएंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे और सात जन्म साथ रहे अच्छी पक्की सौगंध खाएंगे। तब पति बोला तुम चाहते हो हम झूठ बोले, प्रभु राम के सामने इतना बड़ा झूठ बोले, अरे भगवान एक बार तो हंसे जब बार बार हंसे, और तुम नहीं चाहते कि हम दूसरे जन्म में हंसे, अरे तुमने हमारा पुत्र कब बांटा है, हमेशा नौकर की तरह डांटा है, और सात जन्म साथ रहने की सौगंध खाने हमें तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है। और मित्रों मेरे इस अंतिम प्रस्तुति करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों के साथ मैं भी अपने वरिष्ठ कवियों को सुनना जरूर चाहूंगा। वही इस कार्यक्रम की मेरी ये आखिरी कविता, और ये कविता इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले तो मैंने कविता सुनाई, इसका एक पार्ट है दूसरी कविता, और कोमी से रिलेटेड एक कविता है। दरअसल मैंने सुना है कि जब आदमी 50 पार हो जाता है कई बार भूल देता है चकलस में अपनी पत्नी को पुरानी, जबकि उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए तू नहीं है ये कहना चाहिए। दरअसल ऐसे एक बार हुआ और ये बात मैंने बनाने का प्रयास किया, 6-7 पंक्तियों की शनिगाय आनंद लीजिएगा। होली के अवसर पर पुराना पति, होली के अवसर पर पुराना पति पुरानी पत्नी के लिए ऐश्वर्या बच्चन का मुकुटा खरीदाया, होली के अवसर पर पुराना पति पुरानी पत्नी के लिए ऐश्वर्या बच्चन का मुकुटा खरीदाया, उसे उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर लगाया और बोला, अब तक तुम थी ना लायक अब मेरे लायक, अब तक तुम थी ना लायक अब मेरे लायक, देर न करो दरिया किनाराओ और मेरे दिल के समंदर में समा जाओ। तब पत्नी बोली तुम्हारा मुंह है मनुष्य और दिल है कोटा, मैं पास आऊंगी लेकिन तब जब तुम पहनोगे अभिषेक बच्चन का मुकुटा, अभिषेक बच्चन का मुकुटा, अभिषेक बच्चन का मुकुटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनिल मनोगर जी, बड़ी अच्छी कविताओं के साथ थे श्री अनिल मनोगर। और मित्रों हास्य के इसी क्रम को एक थोड़ा सा नया कोण देते हुए मैं आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे हास्य प्रेम की प्रशंसा दे रहे हैं
श्री सुदर्शन चंद्रदा जो कवि होने के साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, और जब एक पत्रकार अपनी काव्यात्मक दृष्टि से समाज में फैली विभिन्नताओं को देखता है तो उसकी कलम से क्या प्रभावित होता है ये आप देखेंगे सुदर्शन चक्रधर की बेहतरी में, उनकी कविता में, और चार पंक्तियाँ इनकी कविताओं को सुनकर जो आपके अंदर कुछ महसूस होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, तो चार पंक्तियाँ मैं सुदर्शन चक्रधर के दे रहा हूँ कि गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बने निगम देगी किसी पे डाल कर देखो, गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बने निगम कहीं किसी पे डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के भाव से घाटा निकाल कर देखो। आपके सामने पेश है श्री सुदर्शन चक्रधर। नमस्कार, होली इस रंगारंग कार्यक्रम में मैं सुदर्शन चक्रधर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और बीसीएन न्यूज चैनल का हार्दिक आभार भी मानता हूँ। तो होली के अवसर पर हास्य व्यंग की इस रसधार में आपको ले चलता हूँ। देखिए उत्तर यानी हाल ही में चुनाव में 5 राज्यों जब तक चंदा वसूली की गई, चंदे का धंधा हुआ, परिणाम आए, जिनको जो जीत गए उनको काफी खुशी हुई, हार की निराशा में कई लोग टूट भी गए, लेकिन कई लोगों ने कमाई नहीं करी। तो हमारे मित्र हैं पागल आदिलाबाद जी, उनको मिल गए हैं, हमने बोला यार आजकल हम बड़े परेशान हैं, हमारा लड़का बहुत परेशान करता है, क्या करना चाहिए। तो देखिए चार पंक्तियां उन्होंने क्या कही कि औलाद को धंधे से लगा क्यों नहीं देते, औलाद को धंधे से लगा क्यों नहीं देते, अरे हाथ में चंदे की तमा क्यों नहीं देते, और ऊंचा है लपंगा है अगर आपका लाडला, लीडर उसे बस्ती का बना क्यों नहीं देते, लीडर उसे बस्ती का बना क्यों नहीं देते। इसी प्रकार की धूमी धूम हास्य की रचनाएं आपको यहाँ देखने सुनने को मिलेगी। थोड़ा होली पर दो पंक्तियां देखता हूँ, फिर देश की विडंबनाओं पर प्रहार करने की कोशिश भी मेरी रहती है। चार चार पंक्तियां होली पर जनरली होता यह है कि युवा वर्ग खासतौर से मस्ती के मूड में रहता है और क्या सोचता है उस पर मैंने चार पंक्तियां देखी। एक छंद देखिए कि जोरा जोरी छोटी संग होली हम मनाएंगे, चोरा चोरी छोरी संग होली हम मनाएंगे, जो मारी पिचकारी बोली कारी कर जाएंगे, छुरी के बिना कहा ची छुरी होती है, पसारी के बिना भी कहा होली होती है, पसारी के बिना भी कहा होली होती है, अपने को भाव में नहीं है ये गरम, अपने को भाव में नहीं है ये गरम, साले साली झूठे ने कहा गया मौसम, साले साली झूठे ने कहा गया मौसम, साले साली झूठे ने कहा गया मौसम। चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हुई होली की बात, इतिहास से होली की बात। लेकिन अभी मालोकर जी, अभी मालोकर जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, सशक्त हस्ताक्षर है, उन्होंने हम पर व्यंग किया कि भाई सुदर्शन एक कवि और पत्नी है और ये और वो, लेकिन इनको कॉलेज के जमाने की इनकी एक के बारे में बात बताओ जो काफी रहस्यपूर्ण है और उसको सुनकर आपको आनंद आएगा। बीसीएन के सारे श्रोता जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे मित्र अनिल मालोकर जी की सच्चाई भी जान जाएंगे, हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और ये अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, हम भी पढ़े लिखे एक साथ हॉस्टल में रहते थे, लेकिन हुआ एक दिन ये कि कॉलेज के हॉस्टल में भाई अनिल मालोकर नए नए आए थे, कॉलेज के हॉस्टल में अनिल मालोकर नए नए आए थे और अपनी विशेषताओं से हम सभी पर छाए थे, अपनी विशेषताओं से हम सभी पर छाए थे, फिर हॉस्टल में भी मिला इन्हें रूम नंबर 4 और एक दवार दवार को बिछाना पसारना पटाना इनका था विचार, एक दवार दवार को बिछाना इनका था विचार, होली की मस्ती है बिछाना इनका था विचार, और वो भोली भाली ग्वालन भी रोज सुबह दूध देने आती थी, दूध बांटने आती थी, अरे इन्हें ही नहीं हम सभी को बांटती थी,
सभी को भाती थी, पर बिठाने में, आकर्षित करने में उसे हम सभी नाकाम हो गए थे, पर अनिल मालूकर उसके चक्कर में खो गए थे। अनिल मालूकर उसके चक्कर में खो गए थे, पर दूसरे दिन सुबह एक दिन अचानक उसने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, मैं दरवाजा खटखटाती हूँ, आपका नाम लेकर बुलाऊंगी। तो नाम भी डार्लिंग बताया उसे, अनिल मालूकर नाम भी डार्लिंग बताया उसे। अरे क्यों शेखी पखारी, पर लगा हमें भी कि गोवालन फंस गई बेचारी, गोवालन फंस गई बेचारी। तो अगले दिन सुबह जमा किया हम सबको, अरे कहने लगा कि क्या देखो क्या कहती है मुझको, देखो वो क्या कहती है मुझको, आज से ये मेरे दिल में रहेगी और हर समय मुझको डार्लिंग कहेगी। पर इन्होंने अंधेरे में छोड़ी थी तीर, सच क्या है सुनने को हम थे अभीर, मगन हो ये अपने सपने बन रहे थे, पर ग्वालन की पदचाप हम चुपचाप सुन रहे थे, ग्वालन भी आई और धीरे से दरवाजा खटखटाया और फिर नाम लेकर बड़े प्यार से ने डार्लिंग भैया कहकर बुलाया। होने का हास में लेने को हास देखिए, आपने फिल्मों में डबल रोल अक्सर देखा होगा, हम शक्ल तो फिल्मों में चल जाता है ऐसा, लेकिन हूबहू अगर अपनी जिंदगी में अगर कोई डबल रोल आ जाए तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ये चार छह कंपनियों की रचना में देखेंगे आप कि हम शक्ल से पहचान जो मेरी बढ़ गई, हम शक्ल है डबल रोल से, हूबहू सुदर्शन चक्रवर्ती एक ऐसे ही सेम कॉपी, एक हम शक्ल से पहचान जो मेरी पड़ गई, अरे मेरी तो जान ही आफत में पड़ गई। माल किराना दुकान से उधार बोल आता था, डबल रोल वाला मेरे जैसे दिखने वाला, माल किराना दुकान से उधार बोल आता था और वो भोला पनिया भी पैसे मांगने मेरे दरवाजे पर आता था और लड़की भी छेड़ दी एक दिन उस बशार ने। तो तमाचे चोर चढ़ दिए मुझे उस घर के पेरे दाम, आपको हंसी आने साहब मार मैंने खाया। तो लड़की भी छेड़ दी एक दिन उस बशार ने, तमाचे चार चढ़ दिए मुझे उस घर के पहरेदार ने। और मेरी राज की बात बता रहा हूँ, मेरे घर वाली तो ना जाएंगे बात, तो मेरी प्रेमिका ने उन दिनों की बात है साहब, तो मेरी प्रेमिका ने भी एक दिन धोखा खा लिया और मैं समझ कर प्यार उस मुंडे का पा लिया, प्यार उस मुंडे का पा लिया। लेकिन कवि और कथाकार होते हैं वो बदला निकाल देते हैं। तो एक दिन बदला मैंने भी इस तरह निकाल डाला। अरे मैं समझ कर एक दिन बदला मैंने भी इस तरह निकाल डाला, अरे एक दिन मैं झूठ मूठ का मर गया था, लोगों ने मैं समझ कर उसे ही जला डाला, लेकिन नागपुर में सरकार का अधिवेशन होता है, विधानसभा का अधिवेशन, तो वहाँ पे बड़े उसके लिए साफ सफाई की जाती है, रवि भवन नाग भवन अंतर भवन सुंदर वगैरह, उनमें बहुत सारे साफ वाफ इच्छू इच्छू निकलते रहते हैं, तो जाने वाले उनकी सफाई करते सारे साफ प्रदेश के जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ, दो साल पहले की घटना बिल्कुल सच्ची घटना पे मैंने कविता लिखी, चार पंक्तियाँ। अक्सर आप जानते हैं कि जो पत्रकार होता है न्यूज छापता है, लेकिन एक पत्रकार और कवि होने के कारण उस न्यूज पर मैंने चार पंक्तियाँ लिखी। आप देखें नागपुर में सम्मेलन हुआ और एक राजू से एक नेताजी की कुटिया से आमदार निवास के बाजू से साफ निकल गया, किसी को नहीं काटा, तो अब नहीं काटा तो पूरा न्यूज छपी, लेकिन उस पर कविता कैसे बनती है देखिए। सवाल कि नागपुर के सम्मेलन में
नागपुर के सम्मेलन में नेताजी ने हमसे कहा, नागपुर के सम्मेलन में नेताजी ने हमसे कहा एक बड़ी बूढ़ी बात हमको बताइए। अरे पास से गुजर गया वो सांप पर डसा नहीं, सांप की अहिंसा का कुछ अर्थ समझाइए। हमने कहा सांप जहरीला जीव है जी, वो कैसे डस पाएगा। हमने कहा सांप जहरीला जीव है जी, पर बिना दरी वालों को वो कैसे डस पाएगा। जानता है खुद से भी जो आपको डस लिया, आपके जहर से वो खुद मर जाएगा, आपके जहर से वो खुद मर जाएगा। और अंतिम बात इसी से जुड़ी हुई जो मैं कहना चाहता हूँ, जब हम मध्य प्रदेश के जंगलों में जहाँ के सांपना तांगना छोड़ दिए, तब क्या हुआ, वहाँ से सांपना तांगना सब गायब हो गए। गायब होने के बाद वहाँ के प्रभारी हमारे पास आते हैं, सुदर्शन चक्रधर जी, आप तो पत्रकार है, आप पता बताइए और बताइए कि हमारे साथ हमारे बाप कहाँ गायब होते हैं। हमने जो कहा उनसे और उस पर एक व्यंग देश के ऊपर हम करना चाहते हैं, और इंबीसीएन चैनल के माध्यम से होली के अवसर पर देश का सबसे बड़ा विरोध पेश कर रहा हूँ। मित्रों ध्यान से चार पुस्तियाँ सुनिएगा, चार छह मदारी जो यहाँ से साफ कहते हैं वो अपने देश के जंगलों से गायब हो गए, वहाँ के मदारी आकर के हमारे पहुंच चुके हैं, और हम जो जवाब देते हैं उस पर आपको सबका आशीर्वाद चाहूंगा। चार छह मदारी, चार छह मदारी एक दिन दिल्ली आए और रोते रोते बोले भाई हम तो नाथ है, पिटारी से गायब हुए हैं कुछ भी सिधार, ढूंढने को हम यहाँ आए साथ साथ हैं। अरे दूध भी पिलाएंगे और बीन भी बजाएंगे, देखने तो अब हमें कहाँ साथ नाथ है। तो दिल्ली वाले बोले, अरे दिल्ली वाले बोले जाओ ढूंढो प्यारे लाल जी, संसद भवन में तो कई नाग नाथ है, संसद भवन में तो कई नाग नाथ है। और देश की विडंबना पर एक अंतिम बात, जब हमने देश की आजादी का 60वां साल मनाया और तब 60 घंटों तक दिग्विज नाम का बच्चा कुरुक्षेत्र में धस गया था, कुरुक्षेत्र के गड्ढे में गिर गया। सभी चैनलों ने, सभी अखबारों ने, सभी मीडिया ने वो लाइव कवरेज 3 दिन तक दिखाया एक बच्चे के धसने का। उसके बाद तो कई चीजें इस देश में की देश धसता जा रहा है, कई बच्चे धसते जा रहे हैं, लेकिन प्रिंस नाम का बच्चा जिन लोगों को सुना है वो 59 घंटे तक फंसा रहा। और उस समय हमारे देश की आजादी का 59वां वर्ष का अब तक सुदर्शन चक्रधर सुपर प्रधानमंत्री भी परेशान, मीडिया परेशान, सब परेशान, मतलब चार पंक्तियां निकलती है। मैं ऐसा करती हूँ जो देखता हूँ लिखता हूँ, मैंने लिखा कि नेताजी का तब कुरुक्षेत्र में आदेश आया, नेताजी का तब कुरुक्षेत्र में आदेश आया, अरे प्रिंस गिरा गड्ढे में उसको बचाइए। 59 घंटे बीते, 59 घंटे बीते गड्ढे में धसे हुए देश के सपूत को निकाल बाहर लाइए। हमने कहा देश चिंता में मगन है पर 59 घंटों से वो कैसे पार पाएगा। अरे 59 सालों से है जो गड्ढे में धसा हुआ, अरे उसको निकालने को मर्द बाहर आएगा, उसको निकालने को मर्द बाहर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, होने की पुनश्च शुभकामनाएं। मित्रों ये थे श्री सुदर्शन चक्रधर जी अपनी लास्ट बैंक और स्टेट नंबर पढ़ने के साथ वास्तविक के माहौल को थोड़ा सा कमी करते हुए आपके सामने एक ऐसे काम करती हूँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो अपनी बहुत ही लंबी कविताओं के साथ और सुमधुर क्रम के लिए पूरे हिंदुस्तान के जाना रहता है। हमारे बीच मौजूद है श्री दया शंकर तिवारी माओ और शिकार के साथ साथ चिंता के बहुत कुशल हस्ताक्षर, मैं इनसे जरूर निवेदन करूंगा कि शंकर की रचना जरूर सुनाए के साथ साथ एक हास्य की रचना और यह चिंता की रचना। और जहाँ तक इनके शंकर की बात है, चार पंक्तियाँ मैं इनके लिए और इनकी शंकर की रचना को देखता हूँ कि सपनों की हर बात किसी से बनते हैं, सपनों की हर बात किसी से बनते हैं, कैसे
किसी से मत कहना सपनों या बात, किसी से मत कहना कैसे भी रात, किसी से मत कहना बादल भी छाए बिजली भी चमकी पर कहाँ हुई बरसात, किसी से मत कहना क्या बात, किसी से मत कहना। आपके साथ पेश है श्री दयाशंकर गुलाटी। मैं दिल लेता हूँ आपके सामने प्रस्तुत करना हूँ। चलिए भागुन का तो हार, भागुन का तो हार, भागुन की हार
दिक्कत
हो गया है क्या बात है। तो दूसरे दिन पर तेरे खाना क्या मिला? खाना कैसा है? मैं तो दाल तो अच्छी है, वो दाल नहीं सब्जी है, तुम सीधी होगी तुम्हारी तो सत्य करना होता है। एक दिन ऐसा हुआ पत्नी को तो सामने पड़ोस में खांस मिली थी, खांस में बता खांस में नहीं इसको करोना हो गया। पत्नी ने कहा अरे तो करोना हो गया, ध्यान रखना तुमने खासा समझता हूँ उससे मिल गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो पत्नी का जो है सत्य बात कर रहा हूँ, हर जगह शक करती है। मुझे तो हमारे पत्नी वाले हैं उन्होंने क्या बताया, शक तो ऐसा मुझे बहुत कम जाता। एक दिन मंदिर चला गया, बोले कहाँ से बोल रहे हो? मंदिर से बोल रहा हूँ। कौन से मंदिर से बोल रहे हो? बेटे के हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ। घंटी पति सुधर के आए 24 घंटे मंदिर में पड़ा रहता है। तो ये तो हालात इस विषय को लेकर चलता हूँ। स्वागत है। हर पत्नी समझती है संसार की हर सुंदर महिला उसके पति को मानती है। संसार की हर सुंदर महिला उसके पति को मानती है। पति मूर्ख हो, गवार हो, मुंह पर मक्खी तक बैठने को भी तैयार हो, पर पत्नी शक के बीच चलाएगी। क्या है अजीब आफत है, जल्दी कर तुम सोच सको घर की आ जाएगी, लगता है कल भी नहीं है। देर से घर पहुंचो तो भी आप क्यों चेहरे पर ताली छा गई, लगता है वो कल भी आ गई। आत्मा तो बहुत दुखी होती है जब पत्नी सुंदर पूरी महिला को कल भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कलर ब्लाइंड है। इस मामले में हर महिला का एक प्रश्न बन गया। मैंने उसको समझाया कि तेरे दिल में करुणा ममता शांति के लिए जगह नहीं है। एक बार सुन ले, अंदर की बात है और पुरुष की जात है कि आज
आदमी अपने पूर्वजों की परंपराओं को नहीं छोड़ता है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए बूढ़ा की बात नहीं छोड़ता। क्या बात है, जबरदस्त। एक और ठीक है, ये मैं तुम्हें पुस्तक जाकर सुनाना चाहता हूँ, उस विषय के सुन सकते हैं, लेकिन ये विषय ऐसा जागृत विषय है इसका अंत नहीं हो सकता। अब ऐसा कहते हैं कि देश के लोग गांधी जी के सिद्धांत को नहीं मानते, देश के अंदर गांधी जी को नहीं मानते, लेकिन मैं सिर्फ कहूंगा कि देश के लोग गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं, देश के नेता गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं। मैं चाहूंगा सर आपका आशीर्वाद मिले से कि बाबू आपने कहा था खादी हमने पहनकर दिखा दी, आपने कहा था खादी हमने पहनकर दिखा दी, आपने कहा विकास के लिए चरखा, आपने कहा विकास के लिए चरखा हमने सही अर्थों में बरखा चरखा, हमने सही अर्थों में बरखा चरखा, आपके सिद्धांतों को अपना रहे हैं बापू, देश को चरखा रहे हैं। क्या बात, देश को चरखा रहे हैं बापू। आपने कहा था कि रिश्वत देना अन्याय है, आपने कहा था कि रिश्वत देना अन्याय है, अरे वाह बापू कितनी सुंदर राय है, रिश्वत लेना अन्य आय है, रिश्वत अन्य आय है, एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो जितनी भी आय कम है, एक्स्ट्रा इनकम है, जितनी भी कम आय कम है, माना कि मेरा तर्क विचित्र है, माना कि मेरा तर्क विचित्र है, अरे नोटों पर तो बाबू आप नहीं चित्र है, नोटों पर तो बाबू आपसे चित्र है, हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं, हम तो सुबह शाम आपके पीछे भागते हैं, न चैन से सुनते हैं न जागते हैं, हम तो बाबू सब कुछ आपको ही अपना मानते हैं, और आप अगर पास में हो तो अपने बाप का कुछ नहीं पहचान। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो ये यात्रा पूरी सफल हुआ, ये जो डॉक्टर नीरज दास जयशंकर मॉम जयशंकर तिवारी मॉम डॉक्टर सागर धर्मदादा सुदर्शन चक्रवर्ती आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप ये हास्य की जो रेल है इसका जो इंजिन है, वो इंजिन जिसका नाम है डॉक्टर सागर धर्मदादा, होम्योपैथी के बहुत वरिष्ठ चिकित्सक, साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार, बारह हफ्ता के हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य और विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के सदस्य, बहुत सारे ढेर सारी उपलब्धियों के साथ जुड़ी है, और लगभग 40 वर्षों का इस कवि सम्मेलन और काव्य ग्रंथों का इन्हें गहरा अनुभव है, और आज के इस कार्यक्रम को बड़े सटीक से इन्होंने संचालित किया। मैं तमाम कवियों दूर से चार पंक्तियों के साथ इन्हें बुलाना चाहता हूँ, ये स्वयं हस्तुख है ही, लेकिन जहाँ पर भी जाते हैं चाहे जितने भी श्रोता हो सबके अधों पर पुरस्कार बिखेरते हैं, एक अग्रज कवि की एक पंक्तियाँ आप उनको देखिएगा और मुझे सुनिएगा, मुस्कुराते रहना सागर भाई, आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत है, दीवाने बहुत है, दीवाने बहुत है, डॉक्टर सागर जी। सभी सजग सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, किंतु अभी आज की सुंदर कवि सम्मेलन में आप उस पर जैसा कि आदेश हुआ है मैं आपके सामने होली खेलना सभी का अधिकार है, लेकिन किसी पैसे भी होते हैं तो होली खेलने का अवसर नहीं होता, एक मेरे कोई मित्र की नजर से तो कहता है कि क्या खेले होली, क्या खेले होली जिसके साथ खेलते हुए होली वो किसी और की होली, जिसके साथ खेलते हुए होली वो किसी और की होली। तो इस इलेक्शन की बात में पिछले इलेक्शन में मेरे बड़े नजदीकी दोस्त बहुत उनकी चिड़िया के पर लिखने वाले व्यक्ति वो इलेक्शन में लड़े और होली का मौका था, वो आए मेरे पास बिल्कुल अस्त्र चुनाव प्रचार होने में लगे हुए थे, वो मेरे पास आया होली का मौका था तो उनसे वो मेरी बात हुई
बात क्या पहली बात की उन्होंने पहले मुझे कहा कि उसके बाद में मैंने बात की वो जो बात की वो मैं आपके सामने पेश करूँ। मैंने सीधा उनसे पूछा कि बिखरे बिखरे बाल क्या है, बिखरे बिखरे बाल क्या है तेरा हाल, क्या बात क्या बिखरे बिखरे बाल जानी क्या है तेरा हाल जानी। और होली का मन है ये, होली का मन है ये या चिकन के वाला क्या बात है, क्या है तेरा हाल जानी और होली का मन है ये चेहरा तेरा लाल जानी। और आरोप बहुत लगे थे, मैंने कहा आरोप लोगों पर ध्यान कर कुर्सी तुझे दिलाएगी बोतल माल भाई बोतल माल जाती और आश्वासनों का लेकर चल, इलेक्शन में जीतना है तो आश्वासनों का लेकर चल, बड़ा हुआ तू बड़ा हुआ तू साल जाती और भीतर कुछ को रहना है, भीतर कुछ को रहना है तू बाहर सबको निकल जाए, तो बाहर सबको निकल जाती और अपने ही तू बढ़िया अपने ही दुनिया में सबकी नेकी डाल जाती और आपकी बात उसको पैरों में जाते जाते कि तू की होली खेली थी तूने पिछले साल जाती इस बार तो खेल ले यार अभी शुक्रिया।